हेलो ऑल, आज मैं गोदरेज का जो इन्वर्टर एसी है उसका जो रिमोट है उसका आज एक डेमो दे रहा हूँ, कंप्लीट रिमोट का। ये कन्वर्टेबल एसी है गोदरेज का 5-in-1, उसका मैं आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो एसी है वो ऑन हो चुका है। तो ये ऑन हो गया एसी, ये 27 पे है। तो अगर मैं इसको 27 पे रखता हूँ और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ टेम्परेचर, तो आप देखिए यहाँ से ये जो ऊपर और नीचे वाला जो एरो दिख रहा है ये टेम्परेचर चेंज का है। देखिए टेम्परेचर यहाँ से चेंज हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ये ऑन ऑफ है, ये वाला जो बटन है जो भी मैंने ऑन किया था ऑफ किया था ये आपको दिख रहा है। उसके बाद वाला जो बटन है ये है मोड्स के लिए, अलग अलग मोड्स हैं। आप ये देखिए ये वाला जो है वो ज़्यादा अगर मॉइस्चर होता है उसके लिए है ड्राई मोड, ये है फ़ैन मोड, ओनली अगर फ़ैन चलाना है आपको आपको कंप्रेसर नहीं चलाना तो ये फ़ैन मोड है। उसके बाद ये आपका समर मोड है, अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि गर्मी है तो ये आप लगा सकते हैं। उसके बाद है ऑटो मोड जो आप देख रहे हैं, ये वाला मोड जो है वो ऑटो मोड है, और ये है आपका कूल मोड। तो कूल मोड वैसे नॉर्मली जो ज़्यादातर रखा जाता है वो कूल मोड रखा जाता है। और आप देख रहे हैं कि रिमोट में बहुत अच्छा बैकलाइट भी है, मैं कोई भी बटन प्रेस कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा एक वाइट सा लाइट पीछे जल रहा है, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। जाते हैं आगे, ये है फ़ैन स्पीड, ये देखिए 1, ये 2, ये 3 और ये है ऑटो। तो आप ऐसे 4 फ़ैन स्पीड इसमें आप सेट कर सकते हैं, 1, 2, 3 एंड ऑटो। तो आप ये चारों फैन स्पीड अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऑटो में क्या होगा कि वो अपने आप फ़ैन स्पीड जो है वो कम ज़्यादा होती रहेगी, वो है ये फ़ैन स्पीड, 4 फैन स्पीड के साथ। उसके बाद देखते हैं कन्वर्टेबल वाला मोड, ये देखिए कन्वर्ट C5, आप देख सकते हैं AC में भी आपको C5 लिखा हुआ आ रहा है, हो रहा C5। सेकेंड मोड है C4, वहाँ पे भी आपको C4 आ गया है। इस थर्ड है C3, फिर C2 एंड C1। अब बता देता हूँ ये C5 वाला जो मोड है, C5 वाला मोड है 110% पे जब आप कन्वर्ट करेंगे तो C5 चलेगा। उसके बाद C4 है 100% पे जब AC चलाना हो तब, 80% पे चलाएंगे C3, 60% पे चलाएंगे C2 और 40% पे चलाएंगे C1। 40% पे चलाने से आप 70% जितना पावर सेव कर सकते हैं। तो ये है 5-in-1 कन्वर्टेबल, और एक और बार मैं प्रेस करूँगा तो कन्वर्टेबल बंद हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही कन्वर्टेबल करता हूँ तो C लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आ जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कन्वर्टेबल ऑन है। ये हो गया ऑफ। अब जाते हैं नेक्स्ट फीचर पे, ये है आई सेंस। आई सेंस को चलाने के लिए आप ये दबा सकते हैं, जहाँ आप बैठे हैं रूम में वहीं पे आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे आपने रखा है 24, तो जहाँ आप बैठे हैं वहीं पे आपको आसपास सेम 24 टेम्परेचर मिलेगा। ये है आई सेंस टेक्नोलॉजी। ये आई सेंस का आप देखिए यहाँ पे एक पर्सन का यहाँ पे एक फिगर आ जाता है, ये है आई सेंस। नेक्स्ट है स्लीप मोड। स्लीप मोड दबाने से क्या होता है कि मैं इसको सेट कर सकता हूँ स्लीप मोड में, कि मैं कितनी देर का मुझे स्लीप मोड, यहाँ पे स्लीप मोड में मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। होगा क्या स्लीप मोड में कि 1 घंटे बाद 1 डिग्री बढ़ा लेगा और उसके बाद 3 घंटे बाद एक और डिग्री बढ़ा लेगा। तो रात को जब आप सो रहे हैं तो 4 घंटे में 2 डिग्री बढ़ जाएगा, कंफर्टेबल नींद मिलेगी, नींद ख़राब नहीं होगी, ये है स्लीप मोड। उसके बाद टर्बो मोड, जब मुझे एकदम फास्ट कूलिंग चाहिए, बाहर आप गर्मी से आ रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो टर्बो मोड का यूज़ कर सकते हैं। लगभग 110 पे मतलब फास्ट कूलिंग के लिए आपको मिलेगा टर्बो मोड। टाइमर ऑन, मतलब आप एक सर्टेन टाइम के बाद एसी को ऑन करना चाहते हैं तो टाइमर ऑन वाला ऑप्शन आप यहां से सिलेक्ट करेंगे, अपने आप आपको ऑन करना है, पर आपको मेन स्विच ऑन रखना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे टाइमिंग आपको दिख रहा है, इधर ये जो एक घड़ी दिख रही है इसमें आपको टाइम चेंज करना है तो ये आपके पास बटन है वो है क्लॉक, यहाँ से आप टाइमिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद टाइमर ऑफ, टाइमर ऑफ क्या है कि आप चाहते हैं एक समय बाद अपने आप एसी बंद हो जाए तो यहाँ से आप टाइम लगा सकते हैं, वो टाइमर जो है वो इसके हिसाब से लगेगा, आप इसके हिसाब से टाइमर सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से सेट किया तो आपको टाइम सेट कर देना है इसमें, यहाँ पे जो भी आप टाइमर सेट करेंगे उसके हिसाब से वो बंद हो जाएगा।
उसके बाद हाइजीन प्लस आपको एसी को क्लीन करना है, तो आप इसको प्रेस करके रखेंगे, फिर आप जब एसी बंद करेंगे, देखिए मैंने यहाँ से बंद किया तो एसी के ऊपर 5 लिखा हुआ आ गया, तो ये तो आप देख रहे हैं 5 लिखा हुआ 05, ये मतलब है कि हाइजीन प्लस ऑन हो गया। 5 मिनट तक अभी जो है वो इनडोर यहाँ पे क्लीनिंग होगा और आपकी जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स हैं या बैक्टीरिया है, वो सब क्लीन हो जाएगा एसी में से। तो क्लीनिंग वाला फीचर है, इसको आप हर 7 दिन और या 15 दिन में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने फिर से ऑन कर दिया क्लीनिंग वाला हटा के। अब नेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले, डिस्प्ले बंद करना है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, ये देखिए कंप्लीट डिस्प्ले जो है एसी का बंद हो गया ये वाले बटन से, डिस्प्ले बटन से। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है वी स्विंग, मैं चाहता हूँ ये मेरे फ्लैप जो है वो अपने आप स्विंग हो, तो देखिए अपने आप स्विंग हो रहे हैं, मैंने वी स्विंग ऑन कर दिया, क्लियरली आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसको यहाँ पे स्टॉप भी कर सकता हूँ, देखिए रुक गए, फ्लैप रुक गया अप डाउन। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है लॉक। लॉक से क्या होगा कि मैं कंप्लीट मेरे रिमोट को लॉक कर सकता हूँ, जैसे घर पे बच्चे हैं तो इसको मैं दबा के, ये फिर उसके बाद कोई भी बटन प्रेस नहीं होगा, ये देखिए उसके बाद कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ तो बटन से कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और या फिर आपके रूम में बेड पे पड़ा हुआ है, सोफे पे पड़ा हुआ है, आप भूल से कोई बैठ जाता है या किसी के भी हाथ वाथ लग जाता है, तो इससे टेम्परेचर चेंज या सेटिंग चेंज नहीं होगा, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये है लॉक सिस्टम, इसको मैंने फिर से हटा दिया, लॉक हट गया, अब वो हो रहा है। तो ये कंप्लीट डेमो था रिमोट का, ये आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा रिमोट और प्रीमियम रिमोट आ रहा है, बैकलिट के साथ आ रहा है, ये है गोदरेज के कन्वर्टेबल एसी इन्वर्टर एसी का रिमोट का डेमो।